जाजपुर जिला पाणिकोइली विद्युत उपखंड में पांच गोटी पंचायत हजार हजार लोके अघोषित विद्युत काट प्रतिवाद में शांतिपूर्ण गणधारणा देखा मिलता। पाणिकोइली विद्युत उपखंड अधीन जन उपभोक्ता तो मानने आज जो आंदोलन मुख्य उद्देश्य हूँ दीर्घ पंदर दिन होम अंचल प्रत्येक दिन मात्र तीन रू चार घंटा लाइन आसा भी नियमित भाव में नुह जदि दस मिनिट आसला पुणी अध घंटे घंटे पलैगला बारंबार आम पंदर दिन भितर मतलब चार रू पांच थर आसिक विद्युत विभाग अधिकारी मानक देखा करी साक्षात करी सब जनाऊु जो सार कौन एम लाइन जाऊँच कौन व्यवस्था करूँ छोट छोट छुआ जो मैंने रोगी मैंने हईरा होती पिला ये जो कोविड पीरियड में घर रही पाठ पढ़ुंट से ठीक से पाठ पढ़ पार ना करें जो अनलाइन बाधाप्राप्त होती जोटा कि मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से आसूनी तेणु यही भाव में विभिन्न समस्या बारंबार आसला सत्वे कि सब वे आमको खाली भुआ बुलेला भाई आज आसो काली आसो काली आसतु पर दिन आसतु दुई दिन भर ठीक हो ठीक होती कर चलती कि मनमानी चलते बर्तमान पर्यटन भी कौन समाधान एपर्तंत बाट बाहर कले ना तेणु आम पाखापाखी तीनो पंचायत मारांदपुर पंचायत कर्दा पंचायत और आम मूलापाड़ पंचायत समस्त अधिवासी मैंने आज कोविड नियम पालन करके समस्त आस शांतिपूर्ण भाव में बसिलु जपर्यंत आम दाबी पूरण न होती नियमित विद्युत मानने स्थायी समाधान न करपर्यंत आम यार बसि रही जपर्यंत स्थायी समाधान हम विभाग अधिकारी आमको प्रतिश्रुति देवे आम एठ अच्छा दावी पत्र कौन आलोचना है दावी पत्र से ग्रहण कले से कहले ठीक अच्छे आम आम उच्चपदस्थ अधिकारी पठेबू और असुविधा हो सठीपुर गोटे ग्रीड स्थापन होती जोटा कि कार्यक्षम हो पार नहीं तेणु से विहित व्यवस्था ग्रहण करेंगे से कहते ठीक हो कि बर्तमान एतिक दिन पर्यटन भी निष्पेषित होती जो गरम होती पिला पाठ पढ़ी पार ना रोगी मैंने भी हईरा होती तेणु तरह किसी स्थायी समाधान करा दरकार जब दिन में भी बार घंटा लाइन दिखते कंटिन्यू दिखते से जथेष कि मात्र चार रू पांच घंटा लाइन दूसरी कितना से ठीक समय आसूनी तेनाली यह निजे चिंता करूँ ये समय कौन करा आम ये आसला बेलू पाणिकोइली लाइन कितना सेपट सैड को लाइन ना तो ये आम कौन करूँ समस्या समाधान ना आगे कौन कर आगू आम निश्चित भाव में कलेक्टर को देखा करूँ कलेक्टर पाखे ये भाव शांतिपूर्ण धारणा में बसबू दरकार पड़े शक्ति मंत्री को जाकि देखा करूँ किंतु आम मैंने स्थिर हो रही पारू ना कारण यह आंदोलन आहरी बढ़े और यापर बहु संख्यार प्रत्येक गाँव महिला मैंने छोट छोट पिला आसिक जोगदे प्राय पंदर दिन ऊर्ध एवं लक्ष्य विद्युत कार्ड समस्या जो ना असुविधार सम्मुखीन होते ग्राम पंचायत बासी कौन आप मुख्य समस्या रही है कहीं आज्ञा धारणा आगु आगे आम लिखित आकार चार प्रतिश्रुति दौंटे लाइन ठीक दौ कि बर्तमान जो कोरोना महामारी लुचकाली खेलु आम सहित बर्तमान मौसुमी आपण मैंने देखिए बर्तमान चाषी हाहाकार डाकु बिले पा ना ग्रत पोड़गला पिला छुआ मैंने रात शपर विद्युत विभाग जो कर्मचारी मैंने बर्तमान आम सठीपुर अंचल विशेषकर सठीपुर पर्दा राणीगढ़ा ब्रजनगर मूलापाड़ ये जो लाइन रही तार जो समस्या करें चिंता करें चबीश घंटा गोटे दिन में चबीस घंटा एम आर पाखापाखि कोड़े घंटा लाइन आम काटिदेक मनोभाव कहीं असुविधा रोचे ना कौन चाप आज से कथा आम पचारिथु कि प्रतिश्रुति कथ माध्यम कहते सठीपुर अंचल बोरींग जो लिफ्ट पॉइंट रही अत्यधिक चलू आम तार उपर प्रेसर पड़ू से आम लाइन काटू किंतु केवल सठीपुर अंचल बोरींग चलू एक किए कह पाणिकोइली अंचल कौन बोरींग चलू नहीं जदि जो बोरींग चलू से देखिए किए गवर्नमेंट तेणुक गवर्नमेंट तार तुरंत समाधान करवा दरकार यहाँ पाणिकोइली फिडर लाइन जाऊँच ना केवल पलसा फिडर अधिका लाइन पड़ा पलसा फिडर भी लाइन तो बर्तमान यार स्थायी समाधान आपड़ कौन चाहते स्थायी समाधान आम चाहूँ जे आमर लाइन जो बारंबार विद्युत कट हो तेणुक बंद करपर्तंत से समस्या समाधान न हम आम आज ये जो धारणा देचु आज धारणा देमु आगामी दिन में आम शक्ति मंत्री पाखे एक जाकि कथ उठे आज धारणा कर्तृपक्ष आलोचना कले ना करना हाँ बर्तमान जो विद्युत उपखंड महाशय आमको किसी कथा देखे सन्तुष्ट आम उत्तर पाइन तेणु आम आशा रखीचु आमर जो दाबी रही बारंबार विद्युत कट बंद हो प्रथमतः द्वितीय रही जो वर्धित बिल बारंबार लागू होती बंद कर मुख्यतः आउ गोटे दाबी रही आम सठीपुर जो सब डिजन हो दीर्घ चार वर्ष एपर्तंत इलेक्ट्रिक संजोग कराऊना कहीं ए समस्या आज आम आम आखपाख अंचल पाखापाखि हजार रु ऊर्ध लोक आसी सठीपुर छक जो पार्क होती एकता होलु किंतु सामान्य वर्षा है किसी लोक पलि पाखापाखि समस्त आसी जाऊ घंटे दि घंटा भितर जब आर समाधान न हुए ये अंचल बोधे फुल हो हजार रु तीन हजार लोक बाड़ापिटा भंगारुजा कौन करेंगे आम भी जानू लोक बर्तमान पूरा तात्विक अच्छा तेणुक आ समाधान जिते शीघ्र करवा दरकार।
ତେଣୁ ଏହାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନ ହେବାରୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ପାଣିକୋଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ସବୁଯାକ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଆମର ଓଭରଲୋଡ଼ିଂରେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛି ଆମର ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରାଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ଲି ବିକଜ୍ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିଟିଂ ବି ନେଉଥିଲେ ଆମର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସେ ବାବଦରେ କି କେମିତି ଚାଷ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂରୁ ଆସିଲି ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିବ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ବି କହିଲୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ମାନେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛୁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆମର ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁ ରହିବନି ବୋଲି ଆଶା କରେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଷଠୀପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ODSSP ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।